नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, बिना नंबर पैड के अगर आपके लैपटॉप में नंबर पैड नहीं है तो विदाउट उसके भी आप लोग हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन उड़ा सकते हैं GT5 के अंदर। तो कैसे करेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी करें हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग बता देता हूँ कि असल में मैं करने के वाला हूँ, जो नंबर्स हमको दे रखे हैं इन नंबर्स को यार मैं कन्वर्ट कर दूंगा इन कीज के अंदर। मतलब जब आप ये दबाओगे, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल तौर पर जब आप ये वाला की दबाओगे ना, ये वाला, तो आपका असल में ये प्रेस होगा, ये दबाओगे तो असल में आपका ये प्रेस होगा। तो ऐसे मैं आपको बताऊंगा कैसे हमको ये सेट करना है। तो चलिए मैं चलता हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे ये करना है सेट। तो दोस्तों, जो आपको कीबोर्ड होता है उसमें ESC की होती है, जैसे आप लोग प्रेस करोगे तो आपकी सेटिंग ओपन हो जाएगी और उसके बाद आपको जाना है सेटिंग के अंदर और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको की बाइंडिंग के नाम से। तो इसमें सिंपली आप लोग को एंटर प्रेस करना है अपने कीबोर्ड की मदद से और इसके बाद एरो की मदद से हम लोग इसको हैंडल करेंगे, ठीक है। तो एरो की से आप लोग इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं जैसे भी जाना हो जा सकते हैं। तो एरो की से हम नीचे आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एयरक्राफ्ट का, क्योंकि देखो जो भी हमारा काम होगा, मतलब नंबर पैड का जो यूज होता है बेसिकली वो हेलीकॉप्टर एरोप्लेन यानी कि एयरक्राफ्ट में ही यूज होता है। तो हम लोग सिंपली एयरक्राफ्ट में जाएंगे, एंटर मारेंगे और एरो की मदद से यहाँ पर देख लो हम इस वाले में पोर्शन में आ जाएंगे, मतलब इसके जो हमारा बगल वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो हम एरो की मदद से, देखो बहुत सारे आपको कीज दिख रही होंगी। तो हमको बाकी कीज तो अपनों को चेंज करनी नहीं है, जिसमें आप हम लोग को 8, 4, 6 और 5 दिख रहे हैं ना, हमको बेसिकली 4 की ही हमको मतलब चेंज करनी है, क्योंकि इसी की हेल्प से हम लोग हेलीकॉप्टर को आगे ले जा सकते हैं, पीछे दाएं बाएं यानी लेफ्ट राइट और फॉरवर्ड और बैक हम लोग ले जा सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को की वाले सिस्टम बताया दो यार। तो सिंपली देखो यहाँ पर आप लोग एरो की मदद से आना जो उनसे मेरे को चेंज करने से, हम चेंज करेंगे यहाँ पे फॉरवर्ड वाला। तो सिंपली इसको आपको एंटर प्रेस करोगे, एंटर प्रेस करोगे ना फिर देखो ऑप्शन आएगा आपको एक चालू मन कुछ टाइप हो रहा है ना, इसका मतलब अभी एडिट मोड में ऑन हो चुका है। एंड सिंपली आप इसके बाद जो भी सी आप की प्रेस कर दो ना, वो इसके लिए परमानेंटली भाई कन्फर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर आप की प्रेफरेंस करनी है ये वाली, मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा दूंगा, दिख रही होगी आपको। तो मैंने जो फॉरवर्ड के लिए यानी जब हमारा हेलीकॉप्टर आगे की तरफ झुके, मैंने ये वाली की को प्रेस किया है। हमारा जब जो हेलीकॉप्टर एरोप्लेन जो भी है वो बैकवर्ड आए, इसके लिए मैंने ये वाला की किया है, लेफ्ट जाए इसके लिए ये वाला किया है और राइट जाए तो मैंने इसके लिए ये वाला कर रखा है। आप लोगों को स्क्रीन पर अच्छे से दिख जाएगा, देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को अपने हिसाब से की प्रेफरेंस करनी है तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको इसलिए ये कहा है क्योंकि ये जो कीज़ होती है ना ये यूज़ नहीं होती हमारे GT5 के अंदर, बाकी जो कीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं यूज़ हो रही होती हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल आपने ऐसा कोई की लिया जो कि आपको यूज़ पहले से हो रखे, देखो यहाँ पे इसने बोल दिया भाई ये डॉट वाला आप यूज़ करना चाहते हो ना, ये पहले से आसाएंगे किसके लिए, रेडियो को आगे पीछे करने के लिए। तो आप क्या इसको करना चाहते हैं, आप जैसे आपको एंटर मारोगे तो ओके करोगे तो आपका जो लेफ्ट हैंड वाला साइड देख रहे हो यहाँ पर, देखो वॉर्न जैसा आइकन बन के आ गया, मतलब एरर टाइप जैसा हो, ठीक है, रेड रेड सा, इसका मतलब यार ये हो गया है कि आपने उस की जगह कोई और की सेट कर दी है, मतलब जिससे हम पहले रेडियो को आगे पीछे करते थे ना उस वाली की। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, तो सिंपली आप लोग जो मैंने की आपको प्रेफरेंस की है आप वही कीजिएगा, अगर कोई दूसरी करते हैं तो इस तरह से भाई ऑप्शन आ जाएगा, फिर आपको इस वाली की के लिए कोई दूसरी की सेट करनी पड़ेगी। तो सिंपली वही प्रोसेस है, आपको जाना है उसकी पे एरो की मदद से एंटर प्रेस करना है, फिर वही चालू मन मतलब एडिट मोड, और फिर आपको जोन सी की प्रेस करोगे वो उसके लिए परमानेंटली सेव हो जाएगी। और सेव का कोई ऑप्शन नहीं होता है, जोन सी की आपने चुन लिया, बस आप ESC जो होता है वो दबाएंगे, बैक 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 हो जाओगे और होम पे जाओ वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है GT5 में, आपको सेव पे क्लिक करने वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारा सब कुछ काम हो गया है, अब हम हेलीकॉप्टर इजिली अपना उड़ाएंगे और कोई भी हमको दिक्कत नहीं होगी, नंबर पैड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा, मैंने काफ़ी आप लोगों को समझा दिया है। अगर समझ नहीं आया तो फिर से थोड़ा बैक के देख लेना और फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी यार, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।